हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू अजय शरद ब्लॉग। गाइस तो हम लोग आए थे कैफ़े बेटर डेज, ये है चौपाटी पे डबरा में। और ये देखो हम लोग आए थे कैफ़े पे, मैं और शरद, तो ये मयंक और ये भाई, भाई नाम क्या है? कमल। हम लोग यहाँ मिल गए हैं क्योंकि हम लोग नीचे यहाँ पे एक रील शूट करने के लिए आए थे, तो यहाँ का जो ओनर है ना वो हम लोगों को जानता है, तो वो बोल रहा था कि ऊपर लड़के बैठे हुए हैं तो हम अभी रील शूट नहीं कर सकते, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ जाके चेक करते हैं कि कौन लड़के हैं ये। तो ये तो हमारे ग्रुप के निकले और हम लोग रील शूट करने की यहाँ बातों में लग गए यहाँ आके। तो गाइस आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहो, हम जो कुछ भी करेंगे हम आपको दिखाएंगे, तो हम आपको मिलते हैं आगे। गाइस ये मयंक है, इसको कार्ड देखते ही ठंड लगने लगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, ठंड तो लग रही है कम से कम, गर्मी नहीं लग रही तो ठंड। गर्मी लगती तो खर्च कर देता, ज्यादा गर्मी होती है तो खर्च कर देते हैं। ये देख लो, देखो इतना पैसा है कि कॉफी बिल्कुल पी नहीं है, बस रखी है देखने के लिए और पूरी ठंडी हो गई है, पीना नहीं है। लेकिन पैसा बहुत है शरद भैया, मतलब नहीं हम तो गरीब आदमी, हमने मंगाई नहीं बताओ कॉफी। देखो थर्ड फ्लोर पे है इसके और यहाँ से ट्रेन जा रही है, हम लोग अमन की याद आ रही है। यहाँ पे हम लोग आए थे क्योंकि वो स्टेशन हम लोग जब भी उसे लेने आते हैं ना और वो लेट आता है, तो हम लोग यहीं आके बैठ जाते हैं। तो अभी तो वो शायद घर पर पहुँच गया होगा क्योंकि 9 बज चले हैं और हम लोग उसी का वेट, अब तो उसका वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को भी घर जाना है। तो जो ट्रेन निकली ना तो उससे मुझे उसकी याद आ गई, तो मैंने सोचा वैसा व्यवहार करता, कोई समझ सकता क्या छुपा है मेरी मुस्कान के पीछे, मेरी मुस्कान के पीछे। अब ये लड़की बोलेगी, लड़की समझ रही, लड़की लड़की का मतलब देखता ना मैं, तब लड़का बोलता, जब देखा उसने मेरी आंखों में तो पता चला कितना बिखरा और टूटा हुआ हूँ मैं। तब लड़की ने सोचा इसे मैं अपना बनाऊंगी, कोरे कागज की तरह है ना इसका दिल, जैसे मैं अपने प्यार से सजाऊंगी। मुझे नहीं पता मैं इसके लिए क्या कर जाऊंगी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी इसको मुस्कुराने के लिए मेरी सांसों की, तो मैं अपनी जिंदगी उसके लिए गिरवी रख जाऊंगी। मैं उसे इतना चाहूंगी, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ अब नहीं बताऊं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। गाइस ये हमारा शायर है, स्टार्ट 1 2 3। गाइस दोनों की, मयंक और वो एक और जो फ्रेंड्स हैं, दोनों चले जा चुके हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हमने किया वीडियो शूट, कुछ अमेजिंग एंड न्यू देने वाले हैं गाइस। इसने एक दो शायरी क्रिएट की है, कर लेना प्लीज गाइस। इसने अभी एक दो शायरी क्रिएट की है, वो हम आपको और भी करूंगा, मोटिवेशन, रोमांटिक और बहुत बहुत प्यारी प्यारी, तो प्लीज देखते रहना गाइस। तो हम चलते हैं अभी यहाँ से नीचे क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पे हैं और यहाँ लग रही है हमें सर्दी। और ये देखो सीढ़ियों में वो भी नहीं है पकड़ने के लिए, क्या गाइस इसको फिर से जोश आ चुका है और ये बोला है मेरी एक रील और शूट करो, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। आप एक मिनट रुको, हम भी रील शूट करते हैं पहले। A few minutes later. गाइस इसकी एक रील और शूट कर दी है, अब हो चुकी है हमारे पास गिनती की 1 2 3, मतलब तीन तीन रील हमने शूट कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, पहले यहाँ कैफे से उतरते हैं, मैं आपको उतरते हुए दिखाता हूँ उसमें, क्योंकि मैं डर लग रहा है मुझे नीचे जाते रहें। रुको आप एक सेकंड, गाइस ये देखो सीढ़ी, देखो इसमें कितना स्पेस है, डर लग रहा है यहाँ से नीचे जाते टाइम। ओ ये देखो वाइट लाइट की व्यवस्था, और कर लेंगे वीडियो। हाँ रेड वाइट या फिर रेड लाइट, अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर, देखते हैं शरद भी आ रहा पीछे से। ये लो और हम लोग तुम्हें पता कहाँ थे अभी, ये देखो फर्स्ट सेकंड और इसके ऊपर भी उधर, उधर से देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, सर्दी लग रही थी और ऊपर। तो गाइस ये रही अपनी स्प्लेंडर, अभी हम लोग इसी से जाएंगे और ये हमारे यहाँ का चौपाटी है पूरा, यहाँ से शुरू होता है इधर 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 बहुत सारी दुकान वगैरह हैं, कैफ़े हैं, खाने के लिए बहुत कुछ है इधर। तो कभी आओ आप डबरा तो आपको अपनी चौपाटी घुमाएंगे आगे। तो हम चलते हैं घर टाइम पे। ऐसे देखो ये बता रहा था कि मतलब भैया बोल रहे थे कि आप जो भी रील शूट कर रहे हो उधर उसमें मेरा नाम लिख देना, मतलब नीचे बैटर एड्रेस डाल देना कि आपने कहाँ शूट किया है। तो गाइस गाइस ये फ्रेंड है, मतलब एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो समझ नहीं आ रहा ये लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग चलते हैं घर, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग है, कमेंट करके बताना कैसा लगा था।
बाय।